न्यू फ्रेंड सजेशन जो है ये आपको 101% चालू हो जाएगा। उसकी सेटिंग क्या है और बहुत से उसके अंदर कुछ फीचर मैटर करते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसके अंदर मैं पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आपको भी न्यू फ्रेंड सजेशन नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा इस वीडियो में मैं बताऊंगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत से इसके अंदर डाउट रहते हैं लोगों को, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर एक सेटिंग थी तो वो ऑन करते ही किसी किसी का जो सजेशन है वो ऑन हो जाता था, मतलब सजेशन आना चालू हो जाते थे। लेकिन कई लोग उस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताए कि हमको ये सेटिंग ऑन करने के बाद में भी जो सजेशन है वो नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल एक फंडा है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो न्यू फ्रेंड सजेशन जो है ये आपको 101% चालू हो जाएगा। उसकी सेटिंग क्या है और बहुत से उसके अंदर कुछ फीचर मैटर करते हैं। तो न्यू फ्रेंड सजेशन ऑन करने के लिए आपको तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सेटिंग के अंदर से आपका जो लोकेशन रहता है फेसबुक का, फेसबुक ऐप का वो, और उसके बाद में फेसबुक ऐप के अंदर से जो लोकेशन रहता है वो, तीसरा आता है फिर हमारा मोबाइल नंबर। तो ये सब मैं आपको डायरेक्ट लाइव करके बताने वाला हूँ फेसबुक ऐप के अंदर, तो आपको क्या क्या करना है वो पूरा देख लीजिए उसके अंदर। यही सेटिंग है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था सिर्फ नॉर्मल जो हमारी सेटिंग रहती है तो बहुत से लोगों का वो सेटिंग से ऑन हो जाता था लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो इसलिए ये वीडियो बनाने की नौबत आई है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था तो उसके वजह से वीडियो बनाया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा आपके सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद में आप सर्च कर लीजिए एप्स, या फिर आप डायरेक्ट, आपको सेटिंग मालूम होंगी एप्स की तो आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो एप्स के अंदर जाने के बाद में आपको फेसबुक देखना है। फेसबुक देखने के बाद में उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको परमिशन पे जाना है। परमिशन के अंदर देखिए यहाँ पे आपको अलाउ के परमिशन वाले दिख जाएंगे, और उसके बाद में जो डिनाइड है मतलब आपने इनको परमिशन नहीं दिया है, तो आपको लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है, इसको ऑल टाइम कर देना है। अगर आपका ये डिनाइड होगा तो वर्क नहीं करेगा आपका न्यू फ्रेंड सजेशन, आपको इसको अलाउ करना ही है, इसको अलाउ करना है। इसके बाद में फिर हम जाएंगे फेसबुक के अंदर। फेसबुक के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ से भी ये थ्री डॉट थ्री लाइन जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे जाने के बाद में मीडिया एंड कॉन्टेक्ट में जाना है। इसमें जाने के बाद में आपको ब्राउज़र सेटिंग में जाना है। ब्राउज़र सेटिंग के पास में देखिए आप ब्राउजिंग डेटा, जो आपको डेटा है इसका पूरा क्लीन कर देना है, क्लियर कर देना है यहाँ से, ठीक है। ये क्लीन करने के बाद में हम बैक आ जाएंगे, बैक और एक बार बैक आना है। फिर इसके बाद में हमको और ऊपर जाना है। ऊपर यहाँ पे आपको लोकेशन देखना है। लोकेशन आपको ये प्राइवेसी के पास में दिख जाएगा, इसके अंदर ये लोकेशन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से इसकी परमिशन आपको ऑल टाइम के लिए कर देना है। इसके बाद इसमें से बाहर निकलने के बाद में फिर आपको और ऊपर जाना है स्टार्टिंग में, जो कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर बाद में कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मैनेज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर, जो आपका चालू मोबाइल है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर यहाँ से आपको ऐड फोन नंबर कर दोगे तो यहाँ से दिख जाएगा ऐड फोन करने के बाद में, ठीक है। और वो होने के बाद में यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज की सेटिंग भी उसके अंदर कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद में ये सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको समझ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट सीधा आ जाना है हमारा बैक लेके। बैक करने के बाद में हमको आना है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग देखना है। नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो हमारा पीपल यू मे नो है, इसको अगर आपका ऑन भी होगा तो इसको पहले टर्न ऑफ कर देना है पूरा, ठीक है। टर्न ऑफ करने के बाद में इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद में फिर आपको आधा घंटा 30 मिनट से 45 मिनट तक के थोड़ा वेट करना है। तो जैसे कि आप ये देखिए नोटिफिकेशन सेटिंग के नीचे भी आपको टेक्स्ट मैसेजिंग का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है, यहाँ से भी आप मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ से भी बताया था आपको सेटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से भी बेहतर रहेगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कहाँ से भी कर सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग का जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद में आपको कम से कम 30 से 45 मिनट तक के वेट करना है। वेट करने के बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्ट शो हो जाएंगे जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे कि न्यू फ्रेंड सजेशन के आपको जो नोटिफिकेशन है वो दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रेंड सजेशन आया हुआ है, ये भी है, और बहुत सारे फ्रेंड सजेशन है इसके अंदर। तो ये आप करके देखना, 101% ये वर्क करता है ट्रिक, ठीक है। हुआ तो दोस्तों पेज को भी फॉलो कर देना, शिवाजी एक नाम से मेरा पेज है,
और मेरा अकाउंट भी शिवाजी एक नाम से ही है, हुआ तो सेंड कर देना रिक्वेस्ट, या फिर आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो लिस्ट को चेकआउट कर लेना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बहुत सारी वीडियो बना के रखे तो प्लीज़ एक बार विजिट कर देना चैनल के ऊपर। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।